उसके बाद मैं क्यों बता दूंगा आपको, बड़ा स्पष्ट। डीओटी की टीम हमारे साथ थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, उसके जो इंजीनियर साहब हैं वो हमारे साथ हैं। वो बेसिकली हम जब भी इस तरह का रेड करते हैं तो उनके साथ करते हैं, ठीक है। वो जो इसके नीटी ग्रिटी है उसको भी क्लियर करते हैं वो, और उसी नीटी ग्रिटी से डिस्कशन में जो चीजें आई वो हम आपको बता रहे हैं। काफी चीजें हमने उनके डेटा से स्कैन किया, जैसे रिकॉर्डिंग्स हो जाता, अभी हम सबको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती थी, बट एक हो रहेगा ये, ये रखवाना, एक सेकंड एक हो रहा है, चाबी तो दे दो, आओ सर जाओ 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 चल दे, एक मिनट एक मिनट। ये और ये की ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार बढ़िया आराम से सारा काम करते थे। एक पहला ऐसा गैंग पकड़ा गया है जिसको मैं कॉल सेंटर वर्ड नहीं यूज करूंगा, सॉरी, एक सिस्टमैटिक फ्रॉड गैंग है। सिस्टमैटिक फ्रॉड गैंग इसलिए कि एक जगह एक ऑफिस लेकर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डाल करके और फिर उसके बाद उसके माध्यम से तरह तरह के फ्रॉड अमेरिकन सिटीजन के साथ किया जा रहा है। इसमें दो तरह के इसके तरीके थे। पहला बेसिकली ये गैंग यूएस के लोगों के साथ एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फ्रॉड करता था, जिसमें ये लोग यहाँ पे रात में अपना एक बहुत सीक्रेट टाइप का की व्यवस्था बनाए थे, और इसमें ये लोग वहाँ के कुछ ऐसे वेंडर से टच में थे जिनके पास वहाँ के लोगों का डेटा था। वहाँ के लोगों के डेटा में मुख्य रूप से ऐसे लोगों का डेटा था जो लोग जनरली ड्रग्स वगैरह में डील करते थे। उन लोगों को ये लोग कॉल करके और चिटिंग करते थे कि यूएस एजेंसीज के माध्यम से आपका डेटा और पता चल गया है, और फिर उनको धमका करके उनसे कुछ गिफ्ट लेते थे और उसको एक पर्टिकुलर साइट के माध्यम से अपने इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करा करके और उसको अपने यहाँ मंगाते थे। इसी प्रकार एक पर्टिकुलर कॉलिंग के माध्यम से ये वहाँ के जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते थे उसके ऊपर एक्सेस भी कर लेते थे, और एक्सेस करके उनका जो इंटरनल डेटा था जैसे टीम व्यूअर से हम लोग इनहान कर लेते थे, उसी तरह से एक अल्ट्रा व्यूअर से ये लोग उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक्सेस करके उनका डेटा लेकर के फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। तो उस प्रकार ये यूएस सिटीजन्स खास करके जो इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स थे उनके साथ ये फ्रॉड होता था, और इसमें बहुत सारे और भी टेक्निकली जो सोफिस्टिकेटेड चीजें थी, जो गैजेट्स थी, जो सॉफ्टवेयर थे, वो यूज किए जा रहे थे। सर कितने लोग ये आठ लोग थे, आठ लोगों के माध्यम आठ लोग इसमें अभी पकड़े गए हैं। जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है वो अभी एट लार्ज है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे, और उसके बाद इन लोगों से बहुत सारी चीजें हमें बरामद हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं जो यूज कर रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चीजें मिली हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके कन्वर्सेशन के कुछ वॉयस भी हमारे पास मिले हैं जो इनके पास सेव्ड थे। हम लोगों ने जब इनके एविडेंस सीज किए, एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसमें हमारे पास वॉयस भी मिला है जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से ये लोग कॉल करके और वहाँ के लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। इनका ओरिजिनल नाम उनको नहीं बताते, सब अपना नाम, कोई अपना नाम जीन, कोई जॉनसन, कोई अपना नाम चेंज करके एज इफ ये लोग अमेरिकन सिटीजन हैं, और उसी हिसाब से ये फ्रॉड करते थे। लैपटॉप, प्रिंटर, हेडफोन्स, राउटर्स, हार्ड डिस्क, की सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, और मोबाइल्स मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चैट्स वगैरह हैं, चैट्स वगैरह भी इनके हमारे पास मिले हैं। सर ये फ्रॉड का धंधा कितने दिनों से, ये बेसिकली अभी तो हम लोग को इन्होंने बताया कि कम से कम एक आध साल से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे एरियाज में लगभग आठ नौ महीने से ये लोग एक्टिव थे, और उसमें जनरली ये कोई आई थी एम टावर यहाँ पे है, वहीं पे ये 62 सेक्टर में, वहीं पे ये लोग इस तरह का ऑफिस खोल के काम कर रहे थे। बेसिकली इनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, ये रेड आज मॉर्निंग में कंडक्ट हुई थी, और सभी को हम लोग जेल में देखिए। ये पर डे इनका जो एक ट्रांजेक्शन था वो लगभग 4,000 से 5,000 डॉलर का था, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास ये किया करते थे, और अभी एक साथ से चूंकि काम कर रहे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया। इसमें हम लोगों ने डीओटी की टीम को साथ में रखा है, और डीओटी की टीम जो टेक्निकल जो एक तरह से सपोर्ट है वो उन्होंने हम लोग को दिया, हमारी टीम में वो लोग भी रहे।